Hello everyone, today I am talking about TMVR, transcatheter mitral valve replacement or mitral clip. Mitral valve हमारे शरीर का एक बड़ा हार्ट का बड़ा valve होता है. अगर वो valve leak कर जाता है तो खून आगे नहीं जाता, वापस lung में जाता है, सांस की तकलीफ होती है, घबराहट बेचैनी होती है. Classically, सांस की तकलीफ लेटने पे बढ़ जाएगी, पैरों में सूजन आ जाएगी, लेटे लेटे खांसी होने लगेगी, उठ के बैठेंगे तो थोड़ा आराम आ जाएगा, थोड़ा चलने में सांस की तकलीफ बढ़ जाएगी, पेट में सूजन हो सकती है. ये सब पैरामीटर्स हैं अगर आपका हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के लक्षण हैं. इन सब केसेस में अगर आपका वाल्व लीक हो रहा है और खून आगे नहीं जा रहा है और ये सब सिम्टम आपको आ रहे हैं तो आप इको की जाँच कराइए. इको से पता चल जाएगा कि ये क्या कारण है जिसकी वजह से आपकी हार्ट की पंपिंग कमजोर हो रही है. वाल्व लीक तो नहीं कर रहा है. अगर वाल्व लीक कर रहा है तो फिर पहले ज़माने में ओपन हार्ट सर्जरी यूज टू बी द ओनली ऑप्शन. अब क्योंकि ओपन हार्ट सर्जरी के अपने रिस्क होते हैं और ख़ासतौर पे ये जिस वजह से वाल्व लीक करता है ये एज ग्रुप जो है 60 साल के बाद या 75 साल के 70 साल के बाद आता है तो फिर उन केसेस में ओपन हार्ट सर्जरी काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाती है विद द रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी या डेथ ऑलमोस्ट 15 से 20%. तो उन केसेस में माइट्रा क्लिप, छोटे से क्लिप जैसे लगाए जाते हैं, वो हम लोग जांग के जरिए जैसे स्टेंट डालते हैं वैसे ये वेन के थ्रू जाते हैं, या हम लोग एक वाल्व को रिप्लेस कर सकते हैं ओपन हार्ट सर्जरी के बिना. जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इसको बिना ओपन हार्ट सर्जरी के, बिना जनरल एनेस्थीसिया के, बिना टांके के, जैसे लेग की वेन से हम एक वाल्व डिलीवर कर सकते हैं अगर आपको वाल्व की लीकेज हो रही है तो.